इसलिए मेरा ये कहना है, जब तक आहार के बारे में आपका सोच विचार विवेकपूर्ण नींद नहीं होगा और असावधानी के साथ चलेंगे, निश्चित रूप से इसमें बाधा तो आ ही रही है। ऐसे भयानक रोग हो रहे हैं जिसको एक प्रकार से ठीक करने के लिए, ठीक तो होना नहीं है लेकिन फिर भी उसको क्या बोलते हैं, इतने इन्होंने 7-8 क्यूबी क्या देते हैं ना, कीमो कीमो हाँ, तो वह लेते हैं, उसके द्वारा तो पूरा रक्त ही परिवर्तित हो जाता है, बाल उड़ जाते हैं, भोजन की भूख मंद हो जाती है और न निद्रा आती है और न कुछ होता है। इस दशा में वह जीवित तो रह जाता है लेकिन बिना औषध के उसका जीवन चल नहीं सकता। ऐसे यदि मान लो घर में एक दो रोगी हो गए और वह एक ही व्यक्ति कमाने वाला है तो वो क्या करेगा भगवान से, भगवान इनको ऊपर जल्दी जल्दी उठा ही दो, क्योंकि उसके लिए कोई भोजन पानी ही नहीं चल रहा है, ले भी नहीं सकता है। इसलिए औषध भी ऐसे होना चाहिए जिसके द्वारा जीव का सुरक्षण संरक्षण तो हो लेकिन उसके साथ साथ उसके धातु उपधातुओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। आँखों के ऊपर असर पड़ता है तो अंधे हो रहे हैं, आंतों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो पाचन शक्ति समाप्त हो रही है। अब हमारी अहिंसा क्या कहेगी बताओ, हमारी अहिंसा अब कहाँ रहेगी?